फिल्म की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम मिया होता है। जब उसका हस्बैंड सो रहा होता है तो उसके कंप्यूटर पर एक ईमेल आता है। जब मिया उसे ओपन करती है तो उसमें एक डॉक्टर का मैसेज होता है। इसमें एक लड़की की फोटो होती है जिसकी बॉडी पर 14K लिखा होता है। मिया का हस्बैंड उस डॉक्टर के अंडर काम किया करता था। जब मिया का हस्बैंड सुबह उठता है तो वो डॉक्टर को कॉल करता है। वो डॉक्टर से किसी फैक्ट्री का जिक्र करता है। डॉक्टर उससे कहती है कि फोन पर फैक्ट्री की बात मत करो और इस बात को यहीं पर रहने दो। फिर मिया का हस्बैंड उसे घर बुला लेता है और कहता है कि हम घर पर बैठकर बात करेंगे। उधर मिया जॉगिंग से अपने घर वापस आ रही होती है तो उसे रस्ते में एक रशियन लड़की मिलती है। उसकी गोद में एक छोटा बेबी होता है। वो रुककर उस लड़की से बात करने लगती है। तभी वहाँ पर वो डॉक्टर भी आ जाती है। वो उस रशियन लड़की के बालों की तारीफ करती है, उसके बालों पर हाथ फेरने लगती है और उसका बाल तोड़कर अपनी पॉकेट में डाल लेती है। उसका ऐसा करना बहुत ही अजीब था। फिर वो मिया के घर आ जाती है और उसके हस्बैंड से बातें करने लगती है। डॉक्टर मिया के हस्बैंड को कहती है कि मेरे पास एक ऐसा इलाज है जिससे बूढ़े लोगों को जवान बनाया जा सकता है। वो फोन में उसे कुछ फोटो दिखाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें ये लोग अपनी उम्र से कुछ ज्यादा जवान नहीं लग रहे? क्या तुम भी ये चाहते हो कि मैं ये एक्सपेरिमेंट तुम पर करूं? मिया का हस्बैंड कहता है, देख लो कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। अगले सीन में हमें मिया दिखाई देती है जो बहुत ही अच्छे से तैयार हुई थी, पर उसका हस्बैंड उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। मिया ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है। फिर हमें मिया की नेबर यानी कि वो रशियन लड़की दिखाई देती है। उस पर कोई वार करता है और वहां से भाग जाता है। वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब वो थोड़ी होश में आती है तो देखती है कि दो आदमियों ने उसे किडनैप कर लिया है। वो लोग लोहे को गर्म करके उसकी बॉडी पर मार्क बनाते हैं। वो लड़की किसी तरह से अपनी जान बचाकर उस वैन से भागने लगती है। आखिर उस लड़की को कोई किडनैप क्यों करना चाहता था? जैसे कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा कि डॉक्टर कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी, यानी कि वो बूढ़े लोगों को फिर से जवान करना चाहती थी और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसे इस रशियन लड़की की जरूरत थी। उस रशियन लड़की के वहां से भागने से उसका प्लान फेल हो जाता है। वो लड़की वहां से भागकर मिया के घर आ जाती है। वो जोर जोर से उसका दरवाजा नॉक करने लगती है। मिया फौरन से बाहर आती है और उस लड़की की हालत देखकर घबरा जाती है। मिया उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें इतनी चोट कैसे आई, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। तभी वहां पर मिया का हस्बैंड आ जाता है और मिया से कहता है कि इसे मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ। पर वो नहीं जानती थी कि उसका हस्बैंड भी उस डॉक्टर के साथ मिला हुआ है। उस लड़की को कार में बैठाकर बहुत देर तक ड्राइव करता रहता है पर कोई भी हॉस्पिटल नहीं आता। अचानक से हम देखते हैं कि सामने वही फैक्ट्री होती है जिसके बारे में मिया का हस्बैंड डॉक्टर से बात कर रहा था। जैसे ही उसकी गाड़ी फैक्ट्री के बाहर रुकती है, वही किडनैपर्स आ जाते हैं जिन्होंने उस रशियन लड़की का किडनैप किया होता है। फिर हम मिया के हस्बैंड को उस डॉक्टर से मिलते हुए देखते हैं। वो डॉक्टर से कहता है कि तुम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए आखिर कितनी लड़कियों को किडनैप करोगी? दरअसल इस एक्सपेरिमेंट के लिए मिया का हस्बैंड ही डॉक्टर को फंडिंग किया करता था। डॉक्टर कहती है कि मैं किसी को भी किडनैप करूं, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आखिर वो रशियन लड़की तुम्हारी क्या लगती है जो तुम उसके बारे में इतना सोच रहे हो? दूसरी ओर हम मिया को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा टाइम हो गया था और मिया के हस्बैंड और उस लड़की के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो अपने हस्बैंड के रूम में जाकर अपने हस्बैंड की लोकेशन को ट्रेस करती है पर उसे जो लोकेशन दिखाई देती है उसके आसपास कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। तभी उसके फोन पर उसके हस्बैंड का मैसेज आता है कि मैं उस लड़की को हॉस्पिटल में छोड़कर वहां से वापस आ रहा हूं। पर मिया को इस मैसेज पर विश्वास नहीं होता। वो डिसाइड करती है कि वो उस लोकेशन पर जाकर अपने हस्बैंड को फॉलो करेगी। मिया भी उस लोकेशन यानी कि उस फैक्ट्री पर पहुंच जाती है। उधर हम देखते हैं कि डॉक्टर भी सीसीटीवी से उसे ही देख रही होती है। मिया फैक्ट्री के अंदर आ जाती है। तभी डॉक्टर के दो आदमी मिया को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं और जो भी इस फैक्ट्री में एक बार आ जाता है वो यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा पाता। डॉक्टर का एक आदमी मिया को काफी टॉर्चर करता है और उसका ब्लड सैंपल लेता है। वो लोहे की एक रॉड को गर्म करता है और उसकी बॉडी पर एक स्टैम्प जैसा मार्क बना देता है। मिया दर्द से चिल्लाने लगती है तो वो आदमी उससे कहता है, अच्छा तो तुम्हें पेन हो रहा है। वो उसके जख्म पर यूरिन कर देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी ओर हम मिया के हस्बैंड को देखते हैं। उसने भी घर आकर मिया की लोकेशन ट्रेस कर ली थी। उसे भी पता चल जाता है कि मिया फैक्ट्री में है। वो पूरी फैक्ट्री में मिया को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक रूम दिखाई देता है। वहां पर उसे डॉक्टर का वही आदमी मिलता है। मिया का हस्बैंड उससे कहता है कि मुझे अपनी वाइफ से मिलना है। वो आदमी डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर कहती है कि ठीक है, इसे अपनी वाइफ से मिलने दो। वो अपनी वाइफ से मिलता है। मिया उससे कहती है कि तुमने मुझे इस सब के बारे में पहले क्यों नहीं बताया?
आखिर तुम इस डॉक्टर के साथ मिलकर इतना बुरा काम क्यों कर रहे हो? उसका हस्बैंड कहता है कि डॉक्टर के साथ काम करना मेरी मजबूरी है, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। कुछ टाइम पहले उसने मुझे एक लड़की से मिलवाया था और एक दिन वो मारी गई। उस वक्त मैं उसकी डेड बॉडी के साथ था, सब मुझे ही खूनी समझते। इस डॉक्टर ने आकर मुझे बचा लिया और इस केस को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। डॉक्टर के उस एहसान के बदले मुझे उसके इस काम में उसका साथ देना पड़ रहा है। मिया रोने लगती है और कहती है कि अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी। तो उसका हस्बैंड कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, मुझे बस कुछ टाइम दो। लेकिन तुम खुद यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, वरना ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, तुम बस मुझ पर ट्रस्ट रखना। ये सुनकर मियाँ काफी अपसेट हो जाती है। और फिर रात हो जाती है, तभी मियाँ को अपने रूम के बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर देखती है तो उसे वही रशियन लड़की दिखाई देती है और वो मियाँ से हेल्प मांग रही होती है। मियाँ खुद मजबूर थी इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो काफी इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर के वही दोनों आदमी आ जाते हैं और उसकी आंखों के सामने ही उस लड़की को मार डालते हैं। फिर हम मियाँ के हस्बैंड को देखते हैं जो डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कहाँ तक पहुँचा। डॉक्टर कहती है कि बहुत जल्दी कम्प्लीट होने वाला है और उसके बाद हम बूढ़े लोगों को जवान कर सकेंगे। वो उस डॉक्टर को कहता है कि तुम इसे अपने ऊपर क्यों नहीं ट्राई करती, एज तो तुम्हारी भी काफी हो चुकी है। ये बात डॉक्टर को अच्छी नहीं लगती पर वो कहती है कि हाँ मैं भी यंग होना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक मुझे अपने जैसा सेम डीएनए नहीं मिला है। जिस भी किसी का सेम डीएनए मिला है मैंने उन्हें यंग बना दिया। और अब हमें समझ आता है कि डॉक्टर ने उस रशियन लड़की के बाल अपनी पॉकेट में क्यों रखे थे। वो डॉक्टर से कहता है कि अगर तुम्हारा डीएनए किसी से मैच ना हुआ तो तुम क्या करोगी। तो वो बहुत ही कैजुअली जवाब देती है कि करना क्या है, मैं और लड़कियों को किडनैप करूंगी और उन्हें मारती जाऊंगी। मियाँ के पति को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है पर वो अपनी वाइफ को बचाना चाहता था। वो डॉक्टर को अपनी बातों में लगाता है और कहता है कि मेरी बीवी बहुत बुरी है, मैं उससे बहुत परेशान था। अब उसे सब पता चल गया है कि तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ पर है और तुम क्या काम करती हो, तो क्यों ना उसे मार डाला जाए। वो उसकी बातों में आ जाती है और कहती है कि ठीक है तुम मियाँ को मार डालो। मियाँ का हस्बैंड मियाँ के पास जाता है और उसे आजाद कर देता है। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और जैसे वो वहां से बाहर निकल रहे होते हैं तो डॉक्टर के लोग उन दोनों को देख लेते हैं। मियाँ तो वहां से भागकर एक गाड़ी में छुप जाती है लेकिन मियाँ के हस्बैंड को वो लोग पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर को एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात पता चलती है कि मियाँ का डीएनए उसके डीएनए के साथ बिल्कुल मैच कर गया था। वो ऑर्डर देती है कि मियाँ को लेकर आओ पर मियाँ तो भाग गई है। तो वो कहती है कि मुझे मियाँ हर कीमत पर चाहिए, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगी। डॉक्टर के लोग मियाँ को ढूंढने लगते हैं और आखिरकार उसे ढूंढ लेते हैं। डॉक्टर मियाँ को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करती है, उसकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट किया जाता है और उसे बेसमेंट में ले जाया जाता है। वहां पर और भी बहुत सारी लड़कियां होती हैं और उन सबकी बहुत बुरी कंडीशन थी। इन सभी लड़कियों को डॉक्टर ने किडनैप किया था और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर कैद करके रखा था। तभी मियाँ की नजर एक सेल पर पड़ती है, उसका सेल नंबर था 14K, जिस लड़की के बारे में उसके हस्बैंड ने उसे बताया था कि वो मर चुकी है, जिसके मर्डर के केस को डॉक्टर ने बंद करवाया था और इसी लड़की के नाम पर ही वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी और अपने साथ काम करने पर मजबूर कर रही थी। पर असल में वो मरी नहीं थी, जिंदा थी। वो लड़की मियाँ से कहती है कि डॉक्टर ने मुझे मरने की एक्टिंग करने के बदले में बहुत सारे पैसे दिए थे पर मैं डॉक्टर की इंटेंशन और उसका पर्पज नहीं जानती थी। डॉक्टर ने मुझे भी नहीं छोड़ा और मुझे भी यहाँ पर कैद कर लिया। हमें वहां पर एक और लड़की दिखाई देती है जिसके दांत में बहुत दर्द था, वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और बहुत चिल्ला रही थी। तभी वहां डॉक्टर का एक आदमी आता है और प्लकर से बहुत ही बेदर्दी से उसका दांत खींचकर निकाल देता है और वो दर्द से और ज्यादा चिल्लाने लगती है, उसका बहुत खून भी निकल रहा होता है। वो आदमी फिर से आता है और उस लड़की के होठों को स्टेपल कर देता है। अब सेल नंबर 14K में बंद लड़की भी चिल्लाने लगती है। वो आदमी उस लड़की को बुरी तरह से मारने लगता है, वो लड़की और ज्यादा चिल्लाती है। तभी डॉक्टर वहां पर आती है और वो लड़की एक बेबी को जन्म देती है। वो डॉक्टर उस बेबी को लेकर वहां से चली जाती है। रात को डॉक्टर का आदमी वहां खाना देने के लिए आता है तो मियाँ सेल के फ्लोर को गंदा कर देती है, इससे उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो सेल के अंदर आकर मियाँ को मारने लगता है। तभी मियाँ उससे चाबियां छीनकर दूसरी लड़कियों की ओर फेंक देती है और अब लड़कियां खुद को आजाद कर लेती हैं और बाहर आ जाती हैं और उस आदमी को मारने लग जाती हैं। अब वो लड़की
जिसके बेबी को डॉक्टर अपने साथ ले गई थी, वो अपने बेबी को ढूंढने लगती है और उसके साथ बाकी लड़कियां भी होती हैं। तभी उन लोगों की नजर एक कंटेनर पर जाती है, उसमें से बहुत स्मेल आ रही थी। जब वो उसे ओपन करती हैं, तो उसमें न्यू बॉर्न बेबीज की बहुत सारी लाशें होती हैं। फिल्म का ये सीन बहुत ही डिस्टर्बिंग है। वो लड़कियां ये देखकर बहुत डर जाती हैं। उस लड़की को लगता है कि उसके बेबी के साथ भी यही हुआ होगा। अब डॉक्टर का वही आदमी उन लड़कियों के पीछे आता है, पर रास्ते में ही उसे मियां का हस्बैंड मिल जाता है और उन दोनों में फाइट होती है, और वो मियां के पति को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर मियां आ जाती है और अपने हस्बैंड को बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर को भी अपने गुनाहों की सजा मिलने वाली थी। सारी लड़कियां आजाद हो चुकी थी। वो चारों ओर से डॉक्टर को घेर लेती हैं और उसे मारने की कोशिश करती हैं। उसमें से कुछ लड़कियां डॉक्टर के उस आदमी के पास जाती हैं जो उन्हें टॉर्चर किया करता था। वो लोहे की रॉड से पीट पीट कर उसे मार डालती हैं। अब डॉक्टर का नंबर आता है। वो सब लड़कियां डॉक्टर की ओर बढ़ती हैं। तभी वो डॉक्टर एक चाकू निकाल लेती है और उन लड़कियों को डराने लगती है, पर अंत में वो खुद को ही चाकू मारकर खत्म कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि वहां पर एक एम्बुलेंस आती है और मियां, उसके हस्बैंड और बाकी सब लड़कियों को रेस्क्यू करके ले जाती है, और फिर मियां और उसका हस्बैंड हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। और इसी के साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है।